आपके पास कौन से पेपर में आते हैं? सर, पेपर नंबर 1 में आते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये पेपर नंबर 1 में आते हैं। सर, कुरान पैसेज कौन से क्वेश्चन में होते हैं? तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 में होते हैं। सर, आपके पास जो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये कंपलसरी होता है? जी बेटा, कुरान पैसेजेस आपके पास कंपलसरी होते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए, सर हमारे कोर्स में कितने पैसेजेस हैं? तो बेटा टोटल 15 पैसेजेस हैं। सर, हमारे पेपर में कितने पैसेजेस आते हैं? तो बेटा 3 पैसेजेस आते हैं। कितने पैसेजेस आएंगे? 3। सर, हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे? तो बेटा आपको ये बात बतानी चाहिए कि आपको 2 अटेम्प्ट करने। टोटल 15 आपके पैसेजेस आपके कोर्स में हैं, 3 आपके पेपर में आएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने। आपके पास मेजर थीम्स ऑफ कुरान 8 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। 8 मार्क्स का मतलब यह है कि ए पार्ट मेन थीम का 4 मार्क्स का होगा और बी पार्ट इंपॉर्टेंस 4 मार्क्स का होगा। सर, क्या मतलब? आपकी बातें हमें समझ नहीं आ रही। तो बेटा मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों का कैम्ब्रिज का पेपर है। इस तरीके का पेपर आएगा इंशाल्लाह जब आप लोग मई जून 2023 के अंदर पेपर देंगे। तो आपको ये बात बताए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चन नंबर 2 करना होता है और कोई दो और क्वेश्चन करना होता है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास पैसेजेस का होता है, ए पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होता है और ए पार्ट के अंदर आपको मेन थीम बतानी होती है। क्या बतानी होती है? मेन थीम। और बी पार्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंस बतानी होती है। क्या बतानी होती है? इंपॉर्टेंस। कितने मार्क का? 4 मार्क का। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क का हुआ बेटा? 8 मार्क्स का हुआ। सर, ये भी बता दें कि आपके पास कितने पैसेजेस आएंगे? बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 पैसेजेस आएंगे। आपको कितने करने हैं? 2। क्या लिखा हुआ है? चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। तो आपने कोई दो पैसेजेस चूज करने हैं। सर, 3 दिए हुए हैं या नहीं? तो बेटा ये पहला पैसेज आपके पास ऊपर अरबिक लिखी हुई है, नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ये पहला पैसेज, उसके बाद अरबिक और उसकी ट्रांसलेशन दूसरा पैसेज, और ये आपके पास तीसरा पैसेज। टोटल आपके पास 3 पैसेजेस होंगे लेकिन आपने सिर्फ 2 करने हैं। सही है? तो आपके पास इस तरीके से पेपर के अंदर आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। पेपर 1 जो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा इस्लामियत का, वो कुरानिक पैसेजेस से होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सर, कुरानिक पैसेजेस जो है वो 8 मार्क्स के हैं। अब जब वो 8 मार्क्स के हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखें, इसमें यही बातें बताई हुई है कि पैसेज 1 होगा, पैसेज 2 होगा, पैसेज 3 होगा। आपने कोई 2 चूज करने हैं और उनके ए पार्ट भी करना है, उनका बे पार्ट भी करना है। अब देखें आपका जो मार्क्स है वो किस तरीके से डिवाइड हो गए, ये आपने समझना है। या अगर आपने नहीं समझा तो आपको मेरी क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं। आप नॉर्मल जो टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से ही पढ़। एडिशनल चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते, तो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास देखें 8 मार्क्स का सवाल। 8 मार्क्स में आपने 2 पैसेजेस करने हैं। कितने पैसेजेस करने हैं? 2 पैसेजेस। मतलब ये हुआ कि पैसेज नंबर 1 जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 4 मार्क्स हुआ और जो आप पैसेज नंबर 2 कर रहे हैं वो 4 मार्क्स का हुआ। और दोनों पैसेजेस का आपको ए पार्ट भी करना है, दोनों पैसेजेस का बी पार्ट भी करना है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसेज 1 का अगर आप ए पार्ट करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और पैसेज 1 का जब आप बी पार्ट करेंगे तो उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पैसेज 1 4 मार्क्स का होगा। अब बच्चों का सवाल ये है कि सर ए पार्ट 2 मार्क का है तो यहाँ पर ए पार्ट के आगे 4 क्यों लिखा हुआ है, 2 क्यों नहीं लिखा हुआ, 4 क्यों लिखा हुआ है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों पैसेजेस के ए पार्ट करोगे तो आपकी 4 में से मार्किंग होगी। दोनों पैसेजेस के ए पार्ट 4 मार्क के बराबर है, दोनों पैसेजेस के ए पार्ट 4 मार्क के बराबर है। इसी तरीके से दोनों पैसेजेस के बी पार्ट, दोनों पैसेजेस के बी पार्ट अगर आप करोगे तो 4 में से मार्किंग होगी। बच्चों का सवाल आता है, नहीं आया आपके दिमाग में तो मैं आपको हर चीज वो क्लियर कर दूंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों को लगता होगा कि आप लोग डफर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मेरे पास आपसे भी नालायक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो आपके पास अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर एग्जामिनर ऐसे भी तो कर सकता था कि ए पार्ट जो है वो 2 मार्क का पहले पैसेज का, फिर बी पार्ट पहले पैसेज का वो 2 मार्क का,
फिर ए पार्ट जो है वो दूसरे पैसेज का 2 मार्क का और बी पार्ट दूसरे पैसेज का 2 मार्क का है। इस तरीके से भी तो वो 8 मार्क्स कर सकता था, उसने 4-4 करके क्यों करा? सवाल है ना, ये एक वैलिड सवाल है, बच्चे का सवाल है तो हम जवाब देंगे। तो बेटा जवाब ये है कि कैम्ब्रिज का रूल है, कैम्ब्रिज का ये रूल है कभी भी पॉइंट्स में मार्किंग नहीं हो सकती। जैसे 0.5 कोई टीचर दे तो उसको बोलना ये क्या कर रहे हो, बोलना आपने गुनाह कर दिया। 0.5 नहीं होते, 1.5 नहीं होते, 2.5 नहीं होते, मार्किंग हमेशा होल नंबर में होगी। या तो 1 नंबर मिलेगा, या तो 2 नंबर मिलेंगे, या तो 3 नंबर, या तो 4 नंबर, या तो 5 नंबर, या 6 नंबर। आपके पास जो है वो होल नंबर के अंदर मार्किंग होगी, पॉइंट्स में कभी भी मार्किंग नहीं होगी। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहा है और 2 मार्क का सवाल है, अब अगर बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी तो एग्जामिनर 2 तो नहीं दे सकता, फिर उसके पास ऑप्शन बचा कि वो 1 ही देगा, 1 नंबर दे देगा। इसी तरीके से इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो बच्चे का लॉस है, बच्चे के 4 out of 8 आ सकते। लेकिन अगर एग्जामिनर ये करे कि एग्जामिनर ने क्या करा है कि 4-4 कर दिया कि दोनों ए पार्ट्स करोगे, दोनों पैसेजेस के ए पार्ट्स करोगे तो 4 में से मार्किंग, उससे स्टूडेंट को ये फायदा है कि अगर थोड़ी सी गलती ए पार्ट के अंदर पैसेज 1 के है और थोड़ी सी गलती ए पार्ट पैसेज 2 के, तो वो आपको 3 out of 4 दे देगा। तो बच्चा एडवांटेज पे रहे, इसलिए वो उन्होंने मार्किंग इस तरीके से करी है, क्योंकि अगर 2 से मार्किंग होती तो दूसरा ऑप्शन सिर्फ 1 ही ऑप्शन था कि अगर थोड़ी सी भी गलती है तो 1 मिले। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है कि 3 मिल जाएंगे, मतलब 1.5 मिल जाएंगे एक पैसेज के अंदर। अब वो अकेले अलग से तो वो 1.5 नहीं दे सकता था, इस वजह से उसने कंबाइन कर दिया कि भाई मेन थीम अगर आप दोनों पैसेजेस की करोगे तो 4 में से मार्किंग होगी, और इम्पोर्टेंस अगर आप दोनों पैसेजेस की करोगे तो 4 में से मार्किंग। तो मुझे जल्दी जल्दी ये बात बताएं कि आप लोगों को ये जो बातें मैं समझा रहा हूँ ये समझ भी आई या नहीं आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुरान पैसेजेस के लिए। जल्दी जल्दी बताओ। सही। अब देखें, अब बच्चों का एक और सवाल आता है, सर हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि मेन थीम आपने बहुत बड़ी लिखनी है, आपने इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी लिखनी है। आप खुद सोचें, मैं आपको अगर एग्जाम्पल देखें, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में मैंने आपको रूल सिखाया कि जब 2 मार्क्स का सवाल होता है तो 2 पॉइंट्स लिखें। हिस्ट्री में यह सिखाया कि जब 4 मार्क का सवाल है तो 4 सिंपल पॉइंट्स लिख दें। अब आप खुद सोचें कि अगर एक पैसेज की मेन थीम 2 मार्क की है तो हमें उसमें लंबा आंसर चाहिए? नहीं चाहिए, हमें कंसाइज आंसर चाहिए, हमें रेलिवेंट आंसर चाहिए और हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए। हमें फालतू की जो लंबी कहानियां जो लिखने की हमारे टीचर्स ने हमें आदत सिखा दी है, ये हमें नहीं चाहिए। सही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको ये बात बताया कि जब सारे गधे हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत गधा बनना पड़ता है, लेकिन हम ज्यादा गधे नहीं बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम स्मार्ट वे सीखेंगे। सही है, तो आपको पैसेजेस का मैं तरीका सिखाऊंगा, मेरा काम है पैसेज का तरीका सिखाना और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले आपके पास ये है कि मेजर थीम्स ऑफ कुरान आपके कोर्स में 15 पैसेजेस आपके कोर्स का पार्ट है। आपके पास जो है वो सबसे पहली जो 5 पैसेजेस है वो है अल्लाह हिमसेल्फ, मतलब ये है कि उसमें अल्लाह ताला की तारीफ की भी है। दूसरे जो 5 पैसेजेस है, मतलब 6 till 10, वो आपके पास है अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, मतलब अल्लाह ताला का रिलेशनशिप बताया हुआ है हमारे साथ। फिर आपके पास थर्ड है अल्लाह विद मैसेंजर, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने स्टोरीज बताई हुई है आपके पास, जैसे कि हजरत आदम की बताई हुई है, हजरत ईसा की बताई हुई है, हजरत इब्राहिम की बताई हुई है, और दो आपने जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन पढ़ा था आप लोगों को याद होगा, तो उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि दो सूरत ऐसी थी जो कि रिवील हुई थी। कौन सी दो सूरत ऐसी रिवील हुई थी? एक आपके पास सूरह दुहा जो कि जब क्या फिर रेवलेशन आ गई थी, और एक सूरह कौसर जो कि सॉरी जी सूरह कौसर कब, जब अब तक, तो वो दो सूरत पढ़ेंगे जो प्रॉफिट के ऊपर लगी। तो ये आपके पास क्या है कि अल्लाह विद मैसेंजर के पैसेजेस। तो टोटल कितने पैसेजेस हैं? 15। जो फर्स्ट है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, दूसरे में अल्लाह ताला का हमारे साथ रिलेशन है, और तीसरा अल्लाह ताला का मैसेंजर के साथ रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास टोटल 15 पैसेजेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं और हमें तरीका सीखना है। देखें, आपके पास जो मेन थीम है ना, तरीका गौर से सीख रहे हैं, सही है। इसके अंदर देखें आपको ना, जैसे जब हम कुरानिक पैसेजेस कर रहे हैं ना, तो इसका काम आपने कॉपी भी नहीं करना। सबसे अच्छी बात क्या, आपने इसका काम कॉपी नहीं करना। तो जब काम कॉपी नहीं करना तो जो तरीका सिखा रहा हूँ ना, वो दिल से पढ़ लो, दिल से पढ़ लो कि मुझे जो है सर ने जो तरीका सिखाया है वो मैं फॉलो करूं, ताकि मैं जो है वो गधा नहीं बनूं।
मैं गधी नहीं बनूं, मैं अच्छे तरीके से पेपर में जाऊं, अच्छे तरीके से पेपर में परफॉर्म करूं, ताकि मैं जो है वो दूसरे स्टूडेंट से अच्छे मार्क ला सकूं। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट रट्टा मारते हैं, हम रट्टाफिकेशन पे नहीं जाए। तो सबसे पहले आपके पास है ए पार्ट मेन थीम, और बी पार्ट होता है इंपॉर्टेंस। देखिए जो ए पार्ट होता है ना मेन थीम, और जो बी पार्ट होता है इंपॉर्टेंस, उसमें है क्या फर्क क्या है। मेन थीम बेसिकली ये है कि जो आपको तो पैसेज से समझ आ रहा है वो आप अपने ओन वर्ड्स में समझा दें कि ये पैसेज आपको क्या बता रहा है। बी पार्ट के अंदर आप इंपॉर्टेंस बता दें कि हम इसको अपनी डेली लाइफ में हम इससे क्या सीखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी प्रॉफिट ने क्या इंपॉर्टेंस बताई, इसकी वैसे क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस तरीके से हम बता दें। तो मेन थीम क्या है, जो आपको तो पैसेज समझ आ रहा है वो बताएं। बी पार्ट इंपॉर्टेंस ये है कि आप उससे क्या सीख सकते हैं, आप उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट ने उस पैसेज के बारे में कोई अच्छी बात कही हो तो वो बता सकते हैं, या फिर अल्लाह ताला ने कोई अच्छी बात कही हो तो वो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पैसेज है, पैसेज नंबर वन, सही है। अब अरबी तो देखें पेपर में अरबी दी गई, लेकिन अरबी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। आपको समझ आ गई तो आ गई, लेकिन वैसे नहीं आती। तो हमारा प्राइमरी फोकस ये कि हम ट्रांसलेशन को देखते हुए अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है पैसेज नंबर वन के अंदर, अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही द लिविंग द सेल्फ सब्सिस्टिंग एंड एटर्नल। ये पहली लाइन लिखी हुई, पहला सेंटेंस लिखा हुआ। क्या मतलब, अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही, मतलब ये है कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला खुदा है। द लिविंग द सेल्फ सब्सिस्टिंग द एटर्नल, क्या मतलब, जिंदा रहने वाला। द सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब इंडिपेंडेंट, द एटर्नल का मतलब ये क्या है, हमेशा कायम रहने वाला। क्या रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला। दूसरी चीज आपने क्या बतानी है, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग बाकी बताएं कि आप लोगों को सबको आवाज प्रॉपर आ रही है या किसी को आवाज का और मसला है। अगर आवाज में मसला है तो फिर मैं माइक चेक करूँ। जैनब बेटा आप अपना थोड़ा सा वो चेक कर लें, क्या पता आपके माइक में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अंदर स्पीकर या किसी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जो है अच्छा चले देख लें। होपफुली जो है वो अब ये मसला शायद ना है, लेकिन ये जो है मेरी तरफ से मैंने चेक कर लिया कि मेरी तरफ से प्रॉपर आवाज जा रही है। अच्छा देखें सबसे पहले आपके पास क्या है कि अल्लाह देयर इज नो गॉड बट ही द लिविंग द सेल्फ सब्सिस्टिंग एटर्नल। ये पहला आपके पास सेंटेंस है। क्या मतलब, अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह इज द लिविंग मतलब अल्लाह ताला जिंदा रह रहे हैं। द सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अल्लाह इज इंडिपेंडेंट, क्या मतलब है, अल्लाह ताला क्या है, इंडिपेंडेंट। दूसरी चीज है एटर्नल। सर एटर्नल का मतलब क्या होता है, तो एटर्नल का मतलब कि ही विल लास्ट फॉर एवर, के मतलब इनकी डेथ नहीं होगी। तो एटर्नल का मतलब क्या है कि ही विल लास्ट फॉर एवर। तो पहले सेंटेंस का आपको मतलब समझ आ गया कि अल्लाह ताला सिर्फ खुदा है, अल्लाह ताला की कभी डेथ नहीं होगी, अल्लाह ताला हमेशा कायम रहेंगे, अल्लाह ताला इंडिपेंडेंट है, अल्लाह ताला किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट स्लीप, क्या मतलब अल्लाह ताला को किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, रेस्ट की। अल्लाह ताला को सोने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हमें रेस्ट करने की नीड होती है, तो हम रेस्ट करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, ना किसी चीज की नीड है, ना ही रेस्ट की, ना ही स्लीप की। हिज आर ऑल थिंग्स इन द हेवेंस एंड ऑन अर्थ, मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला की ये सारी चीजें हैं इस दुनिया के अंदर। हु इज देयर कैन इंटरसीड इन हिज प्रेजेंस एक्सेप्ट एज ही परमिट्स, कोई भी अल्लाह ताला के सामने जबान नहीं चला सकता, कोई भी अल्लाह ताला के सामने आर्ग्यू नहीं कर सकता, सिवाय जब तक अल्लाह ताला उसको खुद अलाउ ना कर दे, अल्लाह ताला उसको खुद परमिशन ना दे दे। तो वो अल्लाह ताला उसको अलाउ कर देंगे तो वो कुछ कह सकता है, लेकिन वैसे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता। फिर ही नोज वॉट इज बिफोर और आफ्टर और बिहाइंड दैट, मतलब ये कि अल्लाह ताला की नॉलेज बहुत ज्यादा है, एंड अल्लाह नोज एवरीथिंग, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हर चीज पता है। नॉर शेल दे कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट एज ही विल्स, मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है, नॉर शेल दे कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज का मतलब ये है कि मैं अगर आपको आज पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आज आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है। ये सारी नॉलेज किसकी तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से। क्या पता अल्लाह ताला मुझे एक स्पेशल चाइल्ड बना देते, क्या पता मुझे जो है वो अल्लाह ताला जो है वो ऐसा बना देते कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं होता, ना पढ़ाने में अच्छा होता, क्या पता मेरे स्टूडेंट से फेल ही होते रहते, क्या पता ऐसा होता। तो
तो आपके पास क्या, नॉट शैल दे कंपास एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट एज इवन हिज थ्रोन एक्सटेंड ओवर द हेवेंस एंड द अर्थ। क्या मतलब कि ये अल्लाह ताला की जो पूरी दुनिया है इस पे क्या है कि अल्लाह ताला की बादशाहत फैली हुई है। एंड ही फील्स नो फैटिक इन गार्डिंग एंड प्रिजर्विंग देम फॉर ही इज द मोस्ट हाई एंड द मोस्ट सुप्रीम। मतलब ये है कि अल्लाह ताला को कोई थकन कोई थकावट नहीं होती, पूरी दुनिया को चला रहे। हम यहाँ पे सिर्फ गिनती की 6 क्लासेस 7 क्लासेस दिन की ले लेते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला पूरी दुनिया चला रहे, तो अल्लाह ताला नहीं थक। तो मेन थीम आपकी इस पैसेज की क्या है, सबसे पहले आपने बता दिया मेन थीम अल्लाह हिमसेल्फ है। सर मुझे कैसे पता चला अल्लाह हिमसेल्फ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या डिस्कस हो रहा है, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स डिस्कस हो रहे हैं। क्या डिस्कस हो रहे हैं, अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स। अगर अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स डिस्कस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी मेन थीम है अल्लाह हिमसेल्फ, सही है। दूसरी चीज आपने क्या बताई कि अब आपने मतलब बताया क्या, अल्लाह इज इंडिपेंडेंट, जैसे सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। एटर्नल का मतलब क्या, ही विल लास्ट फॉरएवर। तो हमें इस पैसेज से सीखने को मिलता है कि अल्लाह विल लास्ट फॉरएवर, अल्लाह ताला को किसी रेस्ट या किसी सोने की नीड नहीं है। हेवन एंड अर्थ का ओनर कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के सामने कोई भी इंटरसीड नहीं कर सकता, अल्लाह ताला के सामने कोई भी जबान नहीं चला सकता। अल्लाह ताला की नॉलेज बहुत ज्यादा है, अल्लाह नोज व्हाट इज ओपन इन स्पीच एंड व्हाट यू हाइड इन योर हार्ट्स। जो भी नॉलेज हमारे पास है वो सारी की सारी कहां से मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से। नो फैटिग एंड प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग होल यूनिवर्स। तो अगर मैं मेन थीम को देखूं तो मैंने मेन थीम के अंदर वही चीजें एक्सप्लेन करी जो मुझे ऊपर से समझ आई। तो जो आपको पैसेज के अंदर समझ आ रहा है वो आपकी मेन थीम होती है, सही है। लेकिन अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा। जो बच्चा इसको मेन थीम को याद करने की कोशिश कर रहा है या मेन थीम को रट्टाफिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, उस जैसा बेवकूफ इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अगर आपने कैम्ब्रिज के अंदर अच्छे ग्रेड लाने हैं तो आपने कभी भी इस चीज को रट्टा नहीं मारा। सर क्यों बेटा, आप खुद सोचें कि आपके पास पूरा पेपर है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स में सिर्फ ये 8 मार्क्स का, और अगर आप इसको भी रट्टा फ्लाई करके जाते हैं तो आप बाकी चीजें भूल जाएंगे। क्योंकि देखें अभी तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी के लिए नहीं सोचना, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है कि जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जब हमारी 9 बुक्स पूरी कवर हो जाएंगी तो हमारा कोर्स बहुत ज्यादा होगा। जब हमारा कोर्स बहुत ज्यादा होगा तो उसकी वजह से हम किस चीज पे फोकस करेंगे, दिमाग है ना, दिमाग चीज भूलने के लिए ही है कि आप चीजें भूलना शुरू हो जाएंगे। तो इस पे हम कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करते, हम तरीका सीखते हैं। तरीका क्या है कि मेन थीम आपको जो समझ आ रही है, जो आपको पैसेज की ट्रांसलेशन से समझ आ रहा है, उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखें। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ए पार्ट समझ आया या नहीं समझ आया। अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंस। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस का रूल बताया था कि इंपॉर्टेंस में ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी चीज के अल्लाह ताला ने इसकी कोई इंपॉर्टेंस बताई हो या कोई प्रॉफिट ने इंपॉर्टेंस बताई हो। अगर मैं ये सूरत पढ़ूं, अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ूं, मैं आप लोगों को फाइल खोल के दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन साथ साथ सुना सकूं। अब देखें आपके पास जो है ना, अच्छा एक आप लोग बस 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयरिंग मैंने रुकी है और इसके बाद हम लोग जाएंगे, बस 1 मिनट से रुके। अच्छा देखिए, हमने पहला पैसेज डिस्कस करा, इसकी जो है वो आप लोगों को जो है इसकी अरबिक, अगर आप इसकी अरबिक पढ़ेंगे ना, अभी वो फाइल मुझे मिल नहीं रही,
जिसके अंदर मेरी अरेबिक भी कंपाइल हुई है, जो प्रॉपर नोट्स होते हैं उसके अंदर अरेबिक भी ऑब्वियसली बात दी हुई है। तो ये आयतल कुर्सी की वर्ड्स, तो आपको आयतल कुर्सी तो आती होगी। अगर आपको ये दिख रहा है अरबिक के अंदर कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क्यूम, अगर आपके पास आयतल कुर्सी लिखी हुई है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये चीज लिख देंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। ये आपके पास ऐसी दुआ है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। आपने मोस्टली ये सुना होगा कि अगर हम कभी घर से बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन, आपको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और बहुत सारी रिवायतों में ये लिखा है कि अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ लो तो आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करके जाते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, इट अवॉइड्स ऑल फॉर्म ऑफ शिर्क। जो हमने ट्रांसलेशन में सीखा कि से देयर इज नो गॉड बट ही, तो इससे हमें ये बात पता चल गई कि सिर्फ खुदा कौन है, अल्लाह ताला। जब खुदा अल्लाह ताला है तो हम किसी और को वॉर्शिप नहीं करेंगे, और जब हम किसी और को वॉर्शिप नहीं करेंगे तो हम क्या है कि हम शिर्क से बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं, शिर्क से बच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम शिर्क से बच रहे हैं तो हम कभी गलत राह पर नहीं जाए। दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है इस पैसेज से कि अगर अल्लाह ताला कभी सोते नहीं है, अगर अल्लाह ताला कभी सोते नहीं है, इट मीन्स कि अल्लाह इज वॉचिंग अस एवरी टाइम। बेसिकली होता यह है कि हमारे अंदर से खुदा का डर जो है वो खत्म हो गया। तो हम क्या करते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से मिले, अब मैं कोई मुझे उल्टा काम करना है, मुझे किसी को गाली देनी है, मुझे किसी से मुझे कोई उल्टी चीज देखनी है, मुझे किसी को बुरा भला कहना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा मेरे पेरेंट्स तो नहीं है। जैसे ही मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैंने ऑल फॉल गाली बकती, मैंने ऑल फॉल कुछ गलत देख लिया, मैंने गाने सुन लिया, कुछ भी मैंने गलत कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे पेरेंट्स से डर रहता है। अब होता यह है कि अगर मैं ये पैसेज को सुकून से समझूं तो मुझे ये बात रियलाइज होती है कि अल्लाह ताला हमें हर चीज देख रहा है, कोई देखे या ना देखे अल्लाह जरूर देख रहे हैं। तो जब अल्लाह ताला जरूर देख रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अपनी जो गलतियां कर रहे हैं वो हम कभी नहीं करेंगे। बेटा ये वाली इंपॉर्टेंस जो है वो सिर्फ इसके लिए, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन किसके लिए, सिर्फ आयतल कुर्सी के लिए। सही है, हर पैसेज की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो इसकी है प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन। अच्छा दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था कि अगर हमारा ये बिलीफ आ जाए कि अल्लाह ताला सोते नहीं है, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं, तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। मुझे किसी को गाली देनी है तो मैं ये सोचूंगा नहीं यार अल्लाह ताला देख रहे हैं, मुझे कोई गलत चीज देख रहा हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं यार अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मैं किसी से कोई गाना सुन रहा हूँ या फिर कोई कुछ भी कर रहा हूँ गलत, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि अल्लाह इज वॉचिंग, मुझे अल्लाह ताला देख रहे हैं और मुझे उनके अकाउंटेबल होना है। तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे नॉलेज मिली भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से कोई बच्चा क्लास का टॉपर है, अब जब वो क्लास का टॉपर है तो उसको ये बात बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, और बाकी सबको बोलता है यार आप लोग कैसे बच्चे हो, आप लोगों को तो पढ़ने आता नहीं है, मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो हमें ये बात रियलाइज होती है इस पैसेज से कि जितनी भी नॉलेज मिली है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। तो हमें जो है इस पे जो है वो कोई शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा सा क्या रखना चाहिए, इंस्टेड वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दी। तीसरी चीज, एक और चीज क्या पता चलती है कि इसके अंदर लिखा था हिज थ्रोन एक्सटेंड ओवर द हेवंस एंड द अर्थ, मतलब हर चीज अल्लाह ताला की है। तो अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे पैसे दे दिए, दुनिया में मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ा सा अमीर बना दिया, तो मुझे जरा भी हरगिज ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीब बल्ले जाए भार में, मुझे हरगिज ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो हूँ वो मेरी पावर ज्यादा है, गरीबों की पावर कम है। अल्लाह ने मुझे चाहा तो मुझे अल्लाह ताला ने पैसे दिए, अल्लाह ताला ने मुझे इस फैमिली में पैदा करा जो एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। क्या पता मुझे अल्लाह ताला किसी मासी के घर में बेटा मासी के घर में पैदा कर देते, क्या पता मैं किसी ऐसे घर में पैदा हो जाता जहां पर खाना नहीं हो, क्या पता मैं ऐसे इलाके के अंदर पैदा हो जाता जहां सैलाब आ जाता। तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। तो हमें हमारी जो लाइफ, हमारी डेस्टिनी जो है उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बेहतर से बेहतर रखा। तो हमें उस पर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, इंस्टेड वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पैसेज से हम ये इंपॉर्टेंस सीखते हैं। सही है, तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया। मुश्किल है बेटा, आपको समझ आया या कोई कंफ्यूजन है? ओके बेटा, अच्छा अब हमारे पास है पैसेज नंबर टू। देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको तरीका सिखाया है, अब आपने ये वेट नहीं करना कि सर क्या बताएंगे, आपने खुद अपनी मेन थीम और इम्पोर्टेंस सोचनी है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है
टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन्स ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। अब जिस बच्चे ने मैथ्स पढ़ी होगी ना उसको पता होगा ओरिजिन का मतलब होता है कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो पॉइंट 0 0 होता है स्टार्टिंग पॉइंट उसको हम ओरिजिन कहते हैं। सही है। और वैसे भी अगर बच्चे के ओरिजिन का मतलब अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आती होगी, तो आपके पास क्या है टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन्स ऑफ द हेवेंस एंड अर्थ। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो हेवेंस और अर्थ की जो स्टार्टिंग थी वो किसने करी? अल्लाह ताला ने। हेवेंस और अर्थ जो बनाया वो किसने बनाया? अल्लाह ताला ने। एंड विदाउट एनी सजेशन एंड विदाउट एनी असिस्टेंस बनाया, मतलब ना ही कोई मदद ली ना ही कोई मशवरा लिया। देखिए हम अगर एक घर बनाते हैं ना तो हम एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं, हम उससे मशवरा करते हैं कि आप जो है वो हमें एक 3D मॉडल बना के दिखाएं कि आपका घर कैसा हमें लगेगा। देन हम क्या करते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर को साइड पे कर देते हैं, कोई ठेकेदार रख लेते हैं या फिर कोई कोई भी बंदा रख लेते हैं पैसे बचाने के लिए। बस इंटीरियर डिजाइनर से एटलीस्ट एक आइडिया लेते हैं, एक असिस्टेंस लेते हैं, उससे एक हेल्प लेते हैं कि हम अपने घर को किस तरीके से ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, एक आइडिया लेते हैं। अब आप कहेंगे सर हम तो इंटीरियर डिजाइनर को नहीं बनाते, हमारे पास बहुत दिमाग है। तो आप दिमाग में भी किसी ना किसी से मशवरा लेंगे, आप जब घर बना रहे हैं तो आप किसी से मशवरा लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें मशवरे की नीड होती है, कहीं ना कहीं हमें हेल्प की नीड होती है। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बना दी, पूरी हेवेंस बना दी विदाउट एनी सजेशन एंड विदाउट एनी असिस्टेंस। उसके बाद है हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का मतलब होता है वाइफ। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की अगर कोई वाइफ नहीं है तो उनका बेटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो जो बंदा ये क्लेम करता है कि अल्लाह ताला का बेटा है ना उस बिल्ला, वो गलत क्लेम करता है। फिर ही क्रिएटेड ऑल द थिंग्स एंड ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई तो अल्लाह ताला के पास इसकी नॉलेज है। अब बच्चों का सवाल देखें, आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। बच्चों का सवाल ये था सर अगर क्रिएट करा तो नॉलेज कैसे? तो बेटा अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने नोट्स है तो मेरे पास मेरे नोट्स की नॉलेज होगी ना कि मेरे टॉपिक 1.2 में क्या है, टॉपिक 1.3 में क्या है, टॉपिक 1.4। तो जिसने चीज बनाई है उसके पास उस चीज की नॉलेज होगी, जिसने सिर्फ कॉपी पेस्ट करके नोट्स बना दिए तो उसके पास तो उसकी नॉलेज नहीं होगी। लेकिन जिसने मेहनत करके चीज बनाई है या जिसने कोई चीज क्रिएट करी है तो उसके पास नॉलेज होगी। तो अल्लाह ताला ने भी ये पूरी दुनिया क्रिएट करी तो अल्लाह ताला के पास इसकी नॉलेज है। सो इन कंक्लूजन आंसर्स ऑफ पार्ट्स ए एंड बी फॉर सेट पैसेज आर सिमिलर थ्रू आउट पास्ट प्रेजेंट। जी बेटा कुछ हद तक क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या है ही क्रिएटेड ऑल द थिंग्स एंड ही हैज फुल नॉलेज ऑफ ऑल थिंग्स। तो अल्लाह ताला ने बनाई है तो अल्लाह ताला के हर चीज की नॉलेज है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। दैट इज अल्लाह योर लॉर्ड, देयर इज नो गॉड बट ही द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। मतलब क्या है? अल्लाह ताला ही हमारे खुदा है और अल्लाह ताला ही हमारे लॉर्ड है। देन वॉर्शिप हिम, मतलब जो खुदा है उसी को ही वॉर्शिप करेंगे ना, किसी और को तो वॉर्शिप जाकर नहीं करेंगे। एंड ही हैज पावर टू डिस्पोज ऑफ ऑल अफेयर्स, मतलब अल्लाह ताला के पास इतनी पावर है कि अल्लाह ताला हर चीज को, जैसे सिर्फ अल्लाह ताला कुन बोलते हैं और वो चीज हो जाती है। अल्लाह ताला को कोई चीज करनी है तो अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह ताला वो चीज खुद कर सकते हैं। नो विजन कैन ग्रेस्प हिम बट हिज ग्रेस्प इज ओवर ऑल विजन। क्या मतलब कि हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते लेकिन अल्लाह हमें हर चीज देख रहा है, और ना ही हम अल्लाह ताला जैसा सोच सकते हैं, अल्लाह ताला की सोच बियॉन्ड आर ह्यूमन इमेजिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? एंड ही इज अबव ऑल कॉम्प्रिहेंशन येट इज एक्वेंटेड विद ऑल थिंग्स। तो अल्लाह ताला का कोई मुकाबला नहीं है। तो ये आपकी मेन थीम क्या हुई? मेन थीम अल्लाह इन हिमसेल्फ है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ थी। हेवन एंड अर्थ अल्लाह ताला ने क्रिएट करी विदाउट एनी सजेशन एंड विदाउट एनी असिस्टेंस। विदाउट एनी असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने विदाउट एनी हेल्प ये आपके पास बना दी। अगर अल्लाह ताला का बेटा नहीं होगा, क्यों अल्लाह ताला का बेटा नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला की कोई वाइफ भी नहीं है। ही बिगेट्स नॉट नॉर इज ही बिगॉटन, ना ही अल्लाह ताला पैदा हुए ना ही अल्लाह ताला किसी बच्चे को पैदा करते हैं, मतलब अल्लाह ताला का कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, इफ ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग सो ही हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह ताला के पास हर चीज की नॉलेज है, और अगर अल्लाह ताला ही क्रिएटर है तो वी शुड वर्शिप अल्लाह ओनली। भाई देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट्स बनाए हैं तो आप मेरी तारीफ करोगे ना, आप मेरी तारीफ करोगे। अगर आप मेरे असिस्टेंट की तारीफ करने बैठ गए तो मुझे गुस्सा आएगा, वैसे तो वो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन ये कि अगर आप जो है वो अगर उसकी तारीफ करोगे तो मुझे दिल में से जलन हो, यार मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने वो सबको गाइडेंस दे रहा होता है कि पेज नंबर यहाँ से यहाँ कॉपी कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लर्निंग कर लो, तो उसमें क्या है कि सब बोलते हैं कि नहीं सर अहमद की तारीफ कर रहे हैं। तो जब वो उनकी तारीफ करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा।
इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया बनाई है तो डिजर्व कौन करता है? अल्लाह ताला। अगर मैं किसी और को वॉशिप कर रहा हूँ तो किसको गुस्सा आएगा? अल्लाह ताला को गुस्सा आएगा, तो वॉशिप अल्लाह होंगे। फिर अल्लाह ताला के पास पावर इतनी है कि अल्लाह कैन डू एवरीथिंग, और अल्लाह ताला की नॉलेज इतनी ज्यादा है कि हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज बियॉन्ड आवर ह्यूमन इमेजिनेशन, हम अल्लाह ताला की हद तक का सोच नहीं सकते। सही है। उसके बाद आपने ये भी बताना है कि हम अल्लाह ताला को देख भी नहीं सकते, हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, बट अल्लाह कैन सी एवरीथिंग, अल्लाह ताला हर चीज हमारी देख रहा है। तो ये इसकी मेन थीम है। बी पार्ट सर, इसका क्या होगा इंपॉर्टेंस? तो अल्लाह ताला क्रिएटर है एवरीथिंग के, तो अगर अल्लाह ताला क्रिएटर है एवरीथिंग के, तो इसका मतलब जो वॉर्शिप डिजर्व करते हैं वो कौन डिजर्व करता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तो इस पैसेज से हमें ये रियलाइज होता है कि वॉर्शिप अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं। तो जब हम वॉर्शिप सिर्फ अल्लाह ताला को करेंगे तो हम शिर्क नहीं करेंगे, और शिर्क क्या है? अनफॉर्गिवेबल सिन। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम, बट ही फॉरगिव्स एनीथिंग एल्स टू मी विल्स। मतलब अल्लाह हर चीज माफ कर देंगे लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरी बात हमें यह पता चलती है कि अल्लाह का बेटा नहीं है, कि हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो फादर। तो इससे हम शिर्क से बच जाते हैं, जो कि आपके पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे आपको पता है क्रिश्चियन जू, उनमें यह बिलीफ है कि हजरत ईसा नाउज़ुबिल्लाह किसके बेटे हैं? अल्लाह ताला के बेटे। तो वो गलत बिलीफ है, हम उस पर बिलीफ ही नहीं करेंगे। हमें ये पैसेज से सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है। फिर हमें ये भी पता चलती है कि अल्लाह ताला की पावर बहुत ज्यादा है। तो जब अल्लाह ताला की पावर ज्यादा है तो हमें इससे सीखने को ये मिलता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्प किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह ताला से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही हर चीज कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। तो किसी और से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांग। We should follow Allah's commands. फिर क्या है कि जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि पैसा, जैसे कि फेम, जैसे कि आपके पास बहुत सारी ऐसी वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन है जिसके अंदर आजकल हम बिजी हो गए, हम हर चीज के अंदर बिजी हो गए, लेकिन हमें क्या नहीं करना? हमें नमाज नहीं पढ़नी, हमें टाइम पे जो है वो कुरान नहीं पढ़ना, हमें जो है वो अल्लाह की इबादत नहीं करनी, हमें हर चीज करनी। तो हम क्या करते हैं, इस पैसेज से ये बात सीखते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे रह जाएंगी, लेकिन जो चीजें अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, और अल्लाह ताला इज वॉचिंग अस, और अल्लाह ताला के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं। तो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस के अंदर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के कमांड्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये इसकी पैसेज की इंपॉर्टेंस है। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये बात समझ आई कि इसकी मेन थीम और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। देखिए अब है पैसेज नंबर 3। अब आपने, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोगों ने दिमाग में सोचना है, सही है? मुझे आप लोगों के ऊपर बिलीफ है कि आप लोग जो है वो अच्छा ही सोचेंगे। सबसे पहले ये पैसेज नंबर 3, अमंग हिज सन्स आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून। मतलब ये है अमंग हिज साइंस, किसके साइंस की बात हो रही है? अल्लाह ताला के साइंस की बात हो रही है। अमंग हिज साइंस आर द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, मतलब दिन और रात और ये जो चांद और सूरज, ये अल्लाह ताला की साइंस है। एडोर नॉट द सन एंड द मून बट एडोर अल्लाह हु क्रिएटेड देम। एडोर का मतलब होता है वॉर्शिप। तो किसको वॉर्शिप करो? अल्लाह ताला को, ना के उनकी क्रिएशन को। तो मेन थीम हमें क्या पता चलती है? अल्लाह हिमसेल्फ। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके पास, अब आप खुद पहले सोचे, एक मिनट दे रहा हूं कि इसकी मेन थीम क्या हो सकती है, सोचें, सिर्फ सोचें, कि फिर मैं आपको जब आंसर बताऊं तो आप लोग ये देखिएगा कि आप लोग कितने ज्यादा उसके अंदर है, कि मतलब आप लोगों को आता है या नहीं आता है। क्योंकि हमारा फोकस है तरीका सीख, हमें ये नहीं सीखना कि रट्टाफिकेशन कि इसका ये होगा इसका वो होगा, हमें इसका तरीका सीखना। जैसे ही 11:06 हो गए, अब होपफुली आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो इसकी मेन थीम सोच ली होगी। मेन थीम है अल्लाह हिमसेल्फ। इस पैसेज के अंदर हमें ये बात पता चल रही है कि जो आपके पास अल्लाह ताला की जो पावर की जो साइंस है वो ये है दिन और रात, ये अल्लाह ताला की पावर की साइंस है, ये क्रिएटेड नहीं है, दीज आर द क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने क्रिएट करी, सही है। दूसरी चीज आप क्या बताएंगे कि इसके अंदर हमें अल्लाह ताला को वॉर्शिप करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इज अ क्रिएटर, हमें क्रिएशंस को वॉर्शिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी क्रिएशन तो हम खुद हैं, तो हम किसी से नीचे वाले को क्यों वॉर्शिप करें? देखिए वॉर्शिप हमेशा उसको की जाती है जो आपसे ऊपर है, तारीफ हमेशा उसकी की जाती है जो आपसे आगे है, सही है। तो जब हमारे पास देखें अल्लाह ताला जो है वो हमसे आगे है, सही है, लेकिन जो सन है मून है ये अल्लाह ताला की क्रिएशन से हमसे पीछे है, क्योंकि वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इंसान सबसे अच्छी क्रिएशन,
तो आप ये बताएंगे कि हमें वॉर्शिप किसको करना चाहिए, अल्लाह ताला, हमें वॉर्शिप इनको नहीं करना चाहिए, और अगर हम इनको वॉर्शिप कर रहे हैं तो हम शिर्क कर रहे हैं, एंड शिर्क इज एन अनफॉरगिवेबल सिन, अल्लाह फॉरगिव्स नॉट दैट पार्टनर शुड बी सेट अप विद हिम बट ही फॉरगिव्स एनीथिंग एल्स टू इविल। तो मेन थीम क्या है, अल्लाह इन हिमसेल्फ, सन मून डे एंड नाइट, ये साइन ऑफ अल्लाह है, और ये जो है वो क्रिएटर नहीं है, क्या नहीं है, क्रिएटर नहीं। Quran says creations of heavens and earth and alteration of day and night are the signs for man of understanding. Sun and moon only signs of power of Allah hai, aur hum unko worship nahi kar sakte, aur hum jo hai wo Allah Taala ko hi worship karenge because he is the creator and yehi worship deserve karte hain, kya karte hain, worship deserve karte hain, aur agar hum sun ko worship kare to it will be considered as shirk and shirk is unforgivable sin. To ye aapke paas kya ho gaya, ye aapke paas ho gaya ए पार्ट मेन थीम। नाउ बी पार्ट इम्पोर्टेंस। सबसे पहले ये पैसेज आपको इट स्टॉप्स फ्रॉम शिर्क, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिलीजन है, आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, आपने ये बात सुनी होगी कि फजर की नमाज जैसी आ गया सूरज निकले तो फजर की नमाज कजा भी नहीं कर सकते और आपको कजा बाद में करनी होती है, क्यों, क्योंकि उस वक्त वॉर्शिप करने का मना है, कि हम पेपर टू में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ सकते। सर क्यों नहीं पढ़ सकते, बेटा इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलीजन है जिसके अंदर वो सन की पूजा करते हैं, सन को वॉर्शिप करते हैं, तो हमें मना है कि उस वक्त आप वॉर्शिप भी करो क्योंकि सन निकल रहा होता है, तो आपने सन की वॉर्शिप नहीं, मतलब वो कंसिडर ऐसा होगा कि आपने सन की वॉर्शिप करो, तो उस वक्त आपने जो है वो कोई भी टाइप ऑफ वॉर्शिप नहीं करता। अब सबसे पहले क्या है कि अगर आप ये नहीं कर रहे, जैसे अगर आप ये पैसेज सीख लो तो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम शिर्क, आप कोई भी गलत रिलीजन फॉलो नहीं करोगे। दूसरा ये है कि अगर आप सन और मून को वॉर्शिप कर रहे हो तो हमें ये रियलाइज करा रहे, इट्स आवर ओन इंसल्ट। क्यों ओन इंसल्ट है, क्योंकि वी आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन, वी आर अशरफुल मखलूकात, हम सबसे अच्छी जो है वो क्या है, बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है। दूसरी क्या है कि इट इज अ डिसलॉयल्टी टू अल्लाह। सर कैसे, जब हर चीज अल्लाह दे रहा है, सन मून नाइट डे ये सब अल्लाह ताला दे रहे हैं, तो मैं सन मून नाइट और डे को क्यों वॉर्शिप करूं। देखिए अगर मैं आपको नोट्स दे रहा हूं तो आप नोट्स की तारीफ करेंगे कि नोट्स गलती से नोट्स से बातें करना शुरू गए कि हाँ नोट्स कैसे हो, ठीक हो, नोट्स तुम बहुत अच्छे हो, नोट्स तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, नहीं ना। आप ये बोलोगे जब आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप लोग कहेंगे सर थैंक यू, आपने हमें अच्छा पढ़ा दिया, वैसे तो आप बहुत गंदा पढ़ाते थे, हमने मेहनत कर ली इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, मेरी गलती से तारीफ करेंगे। देखें ये पागलों जैसी बातें हैं कि हम किसी क्रिएशन की तारीफ कर रहे हैं, क्रिएशन को वॉर्शिप कर रहे हैं, हम उसको वॉर्शिप कर रहे हैं जिसने क्रिएशन को बनाया, जो क्रिएटर है, तो ये हमारी क्या है, डिसलॉयल्टी टू अल्लाह हो जाएगी। और अगर हम इस पैसेज को अच्छे तरीके से समझें तो हमारा रिलेशन विद अल्लाह क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हमारे पास पैसेज नंबर 3 की मेन थीम एंड इम्पोर्टेंस थी। तो मुझे जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये समझ भी आया या नहीं आया। इसके बाद हमारे पास है पैसेज नंबर 4, टू हिम बिलोंग ऑल दैट इज इन द हेवंस एंड ऑन अर्थ, मतलब हर चीज किसकी है, अल्लाह ताला की, एंड ही इज मोस्ट हाई मोस्ट ग्रेट, मतलब क्या, अल्लाह ताला सबसे हाई है। दिस द हेवंस आर ऑलमोस्ट रेड असेंडेड फ्रॉम अबव देम, क्या मतलब इसका, कि हेवंस डरती हैं अल्लाह ताला से, क्या करती हैं, हेवंस अल्लाह ताला से डरती हैं, एंड एंजल सेलिब्रेटेड द प्रेजेस ऑफ देयर लॉर्ड, एंजल हर वक्त अल्लाह ताला की क्या कर रहा होता है, वॉर्शिप कर रहा होता है, अल्लाह ताला की तारीफ कर रहा होता है, एंड प्ले फॉर फॉरगिवनेस फॉर बीइंग्स ऑन अर्थ, मतलब एंजल्स हमारी क्या मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को बताए कि इन बेशर्मों को तो तौफीक होगी नहीं, ये बेशर्म तो मोबाइल और उसके अंदर बिजी इतने हैं कि ना इनको नमाज पढ़ने की तौफीक हो रही है, ना इनको कुरान पढ़ने की तौफीक हो रही है, तो अल्लाह ताला ने हमसे 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम किस में चले जाए, हम दोजख में चले जाए, तो अल्लाह ताला ने एंजल्स अपॉइंट किए हुए हमारी माफी मांगने के लिए। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं जो दिल चाह रहे गुनाह करता रहूं कि नहीं एंजल तो मेरी माफी मांग लेगा, ऐसा नहीं। तो हमें ये सीखने को उस पैसेज से मिल रहा है कि एंजल्स हमारी माफी मांगे। उसके बाद क्या है, बिहोल्ड अल्लाह इज मोस्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल, तो कोई भी अगर कह दे कि अल्लाह फॉरगिविंग नहीं है और कोई मर्सीफुल नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, अल्लाह ताला इज द मोस्ट फॉरगिविंग एंड द मोस्ट मर्सीफुल। देखो शैतान का रूल होता है, शैतान का क्या रूल होता है, सबसे पहले शैतान आपको बहकाएगा, शैतान आपको ये कहेगा कि गुनाह कर लो, जिस दिन आपने गुनाह कर लिया, शैतान पहले ये क्या कहेगा, गुनाह कर लो, गुनाह कर लिया,
जैसे ही आपको गुनाह के ऊपर आएगा कि बोलेगा गुनाह कर लो, अल्लाह माफ कर देगा, माफी मांग लेना गुनाह करने का, आपने जैसे ही गुनाह करा आपके दिमाग में ये बात डाल देगा कि यार तुम कैसे इंसान हो, तुम हर वक्त गुनाह करते हो, तुम जब दिल चाहता है तुम्हारा गुनाह करते हो और तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मतलब जब हमने गुनाह कर लिया ना, तो अब क्या करेगा, हमारे दिमाग में जान बूझ के वसवसे डालेगा कि अब तुम्हें कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा क्योंकि तुम गुनहगार आदमी हो, तुम ये हो, तुम बार बार एक ही काम करके अल्लाह से माफी मांगते हो। ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारी टीन एजर्स के अंदर होता है, जब हम नमाज नहीं पढ़ते ना तो हम अल्लाह ताला से नियत करते हैं कि हम जो है वो अब डेली बेसिस पे नमाज पढ़ेंगे, फिर जब हमारी नमाजें छूटना शुरू हो जाती है फिर हम वापसी ही कहते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर शैतान जान पूछ के डालते हैं यार तुम कैसे इंसान हो कि तुम अल्लाह से माफी मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो जब ये हमारे दिमाग में ये बात डलती है ना, तो हम कभी माफी नहीं मांगते। लेकिन ये बात याद रखिएगा, सिर्फ दुनिया के अंदर वाहिद अल्लाह ताला से एक ऐसी शख्स, मतलब ये है कि हम कंपेयर तो किसी को नहीं कर सकते, अल्लाह ताला सिर्फ हमारे खुदा है जो सिर्फ लोगों को पसंद करते हैं कि जब हम उनसे माफी मांगते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई बार बार माफी मांगेगा ना, जैसे आपने कहा सॉरी सर मेरा काम नहीं हुआ, आपने पहले दिन काम नहीं करा, दूसरे दिन आपने कहा सॉरी सर मेरा काम नहीं हुआ, तीसरे दिन मैं आपको ग्रुप से निकाल दूंगा, आपको निकाल दूंगा क्लास से, गुस्सा आएगा ना मुझे क्योंकि मैं इंसान। लेकिन जो हमारे खुदा है ना, जो हमारे अल्लाह है, वो आप उनसे 10 दफा क्या, आप उनसे 1000 दफा भी अगर माफी मांगेंगे ना, वो आपको माफ करेंगे। ये आपका सिर्फ बिलीफ होना चाहिए कि मैं अगली दफा नहीं करूँ, होता है अगली दफा गुनाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, वापसी माफी मांगो। तो इस पैसेज से हमें सीखने को मिलता है ये मोस्ट फॉरगिविंग एंड मोस्ट मर्सी। तो मेन थीम क्या है, अल्लाह एंड हिमसेल्फ। इसमें दो आर्टिकल्स ऑफ फेथ डिस्कस हो रहे हैं, तौहीद मतलब अल्लाह ताला के बारे में कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह, अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह इज द ओनर, एंड हेवेंस के ऊपर अल्लाह ताला, हेवेंस डरती है अल्लाह ताला। एंजल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि दे वॉशिप अल्लाह 24/7, मतलब हर वक्त अल्लाह ताला को वॉशिप कर रहे हैं। आस्क अल्लाह टू फॉरगिव हिज क्रिएशंस, मतलब स्पेशली ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस ही आपके पास गुनाह करते हैं। उसके बाद दे ग्लोरीफाई अल्लाह डे एंड नाइट एंड नेवर आर दे टाइम। तो ये आपके पास मेन थीम हो गई। इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो है वो अल्लाह ताला के पास हर चीज की पावर है, सही है, और हमारी पावर और अल्लाह ताला की पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर अल्लाह ताला के पास हर चीज की पावर है तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर एंजल्स वॉशिप कर रहे हैं तो हमें भी वॉशिप करना चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म कर ले कि अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी, फिर भी हम वॉशिप क्या कर रहे हैं, हम वॉशिप नहीं कर रहे। लेकिन एंजल्स जो कि अल्लाह ताला की मर्जी से चलते हैं, जिनके पास फ्री विल नहीं है, वो भी अल्लाह ताला को वॉशिप कर रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं कि अगर एंजल्स अल्लाह ताला को वॉशिप करें तो इसका मतलब हमें अल्लाह ताला की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला के पास वॉशिप करने वाले बहुत है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, एंजल्स आर इनफिनाइट, इनफिनाइट। जब आप लोग बिलीफ इन एंजल्स पढ़ेंगे, और अभी आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग एक चीज पढ़ेंगे कि डेली बेसिस पे 70,000 एंजल्स बैतुल मामूर पर जाते हैं अल्लाह ताला के घर पे, और उनको ता कयामत तक दूसरा मौका नहीं मिलता तवाफ का। मतलब खुद सोचें, डेली बेसिस पे 70,000 एंजल्स, और टिल डे ऑफ जजमेंट उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो कितने एंजल्स होंगे, क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपने ये बताया कि एंजल्स हमें वॉर्शिप करते हैं, दूसरी चीज हमें ये पता चलती है कि अल्लाह ताला हमें माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, हमें माफ करते हैं। और दूसरी चीज हम क्या बताएंगे कि हमें कभी भी माफ करते वक्त अल्लाह ताला से वो नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला यार हम बहुत ज्यादा, शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतने ज्यादा शर्म के अंदर डूब जाएं कि हम जो है वो ये नहीं करें कि अल्लाह ताला से माफी मांगना ही भूल जाए। तो हमारी ये इम्पोर्टेंस होगी। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि सर इम्पॉर्टेंट वी नॉट हैव टू टेल विद सूरह ज़ेड, बेटा सूरह बताने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे टीचर्स देखे मैंने आपको बताया ना, सिखाते हैं, सीख लो कि बता दो ये कौन सी सूरत है, लेकिन वो कोई जरूरत ही नहीं, नो नीड। जी बेटा देखिए, मैंने आपको बताया ना, स्कूल के टीचर्स माशाल्लाह उनका जो है ना कोई कंपैरिजन नहीं है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब मैं उनको अपने आप से कंपेयर तो कर नहीं सकता। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास क्या है कि स्कूल के टीचर्स को, अच्छा अब जो है ना वो बच्चों का भी ये जब कन्फ्यूजन आती है ना, तो उस पर मैं आ जाता हूँ प्रूफ पर, ताकि बच्चा जो है वो कभी क्या नहीं हो, कन्फ्यूज ना हो। तो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है वो क्या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर
हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही है। तो अब जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल कैंडिड रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर किस तरीके से अटैम्प्ट होता है पेपर, और उसके अंदर बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा तो वो चीज आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग जो है मेरे पास वो फाइल नहीं खुल रही पुराने एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स की। सूर्य जारियात नहीं है बेटा ये। देखें आपने जो पैसेज नंबर 1 कराना वो थी आपके पास सूरह बकरा आयतल कुर्सी, कौन सी थी पैसेज नंबर 1 जो आपके पास था वो कौन सी थी, सूरह बकरा जो आपने सबसे पहले करी आयतल कुर्सी। फिर आपने पैसेज नंबर 2 करा, जो आपने पैसेज नंबर 2 करा ना वो आपके पास थी सूरे अनाम, देन आपके पास है सूरे शूरा, देन आपके पास है सूरे फुस्सिल, कौन सी है सूरे फुस्सिल, 1, 2, 3 एंड 4। अब जो आपके पास फिफ्थ पैसेज है ना ये आपके पास है सूरे इखलास, कौन सी है सूरे इखलास। आपको बता देता हूँ कि कौन से पैसेजेस हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है ये कौन सा पैसेज है, आप सिर्फ डायरेक्टली क्या करें एक्सप्लेन करें। पैसेज नंबर 5 सूरे इखलास, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, अल्लाह द एटर्नल एब्सोल्यूट, ही डज नॉट बिगॉट नॉर बिगेट नॉर इज ही बिगॉटन एंड देयर इज नॉट लाइक। तो से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली मतलब अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, अल्लाह द एटर्नल, एटर्नल का मतलब क्या है कि अल्लाह विल लास्ट फॉर एवर, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब कि अल्लाह ताला का कोई ना ही शुरुआत थी ना ही अल्लाह ताला की कोई एंड था, ही डज नॉट बिगेट नॉर इज बिगॉटन, ना ही अल्लाह ताला का कोई अब्बू है ना ही अल्लाह ताला का कोई बेटा है ना ही अल्लाह ताला कोई बेटा पैदा करा ना ही अल्लाह ताला खुद किसी के बेटे हैं, एंड देयर इज नन लाइक हिम मतलब अल्लाह ताला को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो मेन थीम क्या है, अल्लाह इन हिमसेल्फ, तौहीद के बारे में इट वॉज रिवील्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि सूरह इखलास कब रिवील हुई थी, आप लोगों को शायद याद हो जब मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस ऑफ रेवलेशन कराया था तो मैंने उसमें ये बताया था कि सूरह इखलास जब रिवील हुई थी जब अल्लाह ताला से बार बार होली प्रॉफिट कुरैश बार बार होली प्रॉफिट से पूछते थे कि तुम्हारा खुदा कैसा है, तो सूरह इखलास वॉज रिवील्ड कि से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, अल्लाह जैसा कोई नहीं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ओनली वन अल्लाह है, ओनली वन गॉड, इनके अलावा कोई गॉड नहीं है, ना ही अल्लाह ताला की कोई बिगनिंग है ना ही अल्लाह ताला की कोई एंड है, सही है, एंड अल्लाह ताला का कोई फैमिली रिलेशन नहीं है जैसे कि फादर और सन, हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो वाइफ, एंड अल्लाह ताला का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेन थीम हो गए इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सूरह इखलास की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आयतुल कुर्सी थी इट इज अ वर्ड फॉर प्रोटेक्शन, तो सूरह इखलास का ये होता है कि अगर आपने 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ली, कितनी दफा 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ली तो आपको एक कुरान का सवाब मिलता है, कितने कुरान का सवाब मिलता है, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस सूरह इखलास की ये हो। दूसरी चीज क्या है कि आपकी जो अल्लाह ताला पे जो बिलीफ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीजें मेन डिस्कस की गई कि खुदा अल्लाह ताला के सिवा कोई खुदा नहीं है ना ही अल्लाह ताला का बेटा है ना ही अल्लाह ताला को कोई वो है, तो इससे हमें ये बात पता चलता है कि अल्लाह ताला की पावर में किसी का कोई शेयर ही नहीं। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हूं तो मैं आज किसकी प्रॉपर्टी पे अय्याशी कर रहा हूँ, मैं अपने अब्बू की प्रॉपर्टी पे अय्याशी कर रहा हूँ, मेरे जो बच्चे अय्याशी करेंगे जो बर्बाद करेंगे वो किसका पैसा बर्बाद करेंगे, मेरा पैसा बर्बाद करेंगे। आप लोग जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं पढ़ते नहीं है तो किसका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने अब्बू का अम्मी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो होता यह है कि हमें से बात पता चल गई कि अगर उनका ना कोई बेटा है ना कोई वो है तो कोई फैमिली में शेयर ही नहीं है, जब फैमिली में शेयर नहीं है तो पूरा जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। तो यूनिटी ऑफ अल्लाह में हमारा बिलीफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हम शिर्क नहीं कर रहे, जब हम शिर्क नहीं कर रहे तो हम शिर्क एक बहुत ज्यादा उससे बच रहे हैं। देन गॉड की अगर फैमिली नहीं है तो प्रॉपर्टी अर्थ हेवन ये सारी चीजों का ओनर कौन है, ओनली अल्लाह, हम शिर्क नहीं कर रहे। और अगर हम ये पढ़ लें तो 1/3 ऑफ कुरान का जो सवाब है वो क्या है, रेसिटेशन ऑफ, अगर हम सूरह इखलास कर लें तो वो इक्वल रिवॉर्ड है 1/3 ऑफ कुरान, तो अगर हम 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा, सही है। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को इसका ए पार्ट और इसका बी पार्ट समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन है।
अब देखें पैसेज नंबर सिक्स, पैसेज नंबर सिक्स आपके पास है सूरह फातिहा, कौन सी है? और अब आपके पास जो पैसेजेस शुरू हो रहे हैं वो कौन से हैं? अल्लाह विद क्रिएटेड हुए, कौन से हैं? अल्लाह विद क्रिएटेड। बच्चों का सवाल आता है सर अभी तो आप लाइन से बता रहे हैं, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पैसेज शुरू के पांच तो अल्लाह हिमसेल्फ है, लेकिन जो बाकी है वो अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ड है सिक्स टू टेन। सर हमें पेपर में कैसे पता चलेगा? क्योंकि पेपर में तो नहीं लिखा होगा ये पैसेज सिक्स है, ये पैसेज सेवन है, ये तो नहीं लिखा होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा वो अल्लाह हिमसेल्फ उसकी मेन थीम है या अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ड? देखिए अल्लाह हिमसेल्फ में सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ होंगी, कहीं पर भी वी यू इस तरीके का नहीं लिखा हुआ होगा। मतलब क्या है, जैसे आप ये देखें इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें तो अभी भी अल्लाह की तारीफ है। फिर क्या लिखा है, प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यू वी वॉशिप। यू वी वॉशिप का मतलब क्या है कि हम आपको वॉशिप करते हैं, उसका मतलब अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, सही है? अच्छा अब हम पूरा शुरू से पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह ताला जो है वो मोस्ट मर्सीफुल है। प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, उस खुदा की तारीफ जो हमें पालता है, जो हमें संभालता है, चेरिशर एंड सस्टेनर, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट का मतलब ये है कि जो डे ऑफ जजमेंट का जो मास्टर है, मतलब जब हम सारे अकाउंटेबल होंगे तो कौन मालिक है उस दिन का? अल्लाह ताला। यू वी वॉशिप एनी और इट बी, हम सिर्फ आपको ही वॉशिप करते हैं और हम आपकी ही मदद मांगते हैं। शो अस द स्ट्रेट वे, हमें सीधी राह दिखा। बेसिकली सूरह फातिहा क्या है ये आप समझे, जो आप नमाज में पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा, ये वो है। और सूरह फातिहा का मतलब समझे कि शो अस द स्ट्रेट वे, मुझे सीधा रास्ता दिखाए अल्लाह। द वे ऑफ दोस टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस, नॉट दोस हु आर इन योर एंगर, नॉट दोस हु आर एस्ट्रे, उनका रास्ता दिखा जिससे आप खुश थे, ना कि उनका रास्ता दिखा जिनसे आप गुस्से में थे या जो गलत राह पर चलेगा। तो हम बेसिकली नमाज में दुआ करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें नमाज तो सिखा दी जाती है, नमाज का मतलब नहीं सिखाया जाता कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। जब हम इन वर्ड्स का मतलब सीखेंगे तो हम नमाज बहुत अच्छे तरीके से। तो इसकी मेन थीम क्या है, इसकी मेन थीम वही है कि अल्लाह ताला क्या है, अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, ये वो सूरत है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। एस प्रॉफिट सेड, नो प्रेयर इज एक्सेप्टेबल विदाउट सूरह फातिहा, ये आपको याद होगा जब मैंने आपको सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ कराया था। अल्लाह ताला की ग्रेटनेस क्या है, बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला हमारे चेरिशर है, अल्लाह ताला हमें सस्टेनर है, अल्लाह ताला ने हमारी सस्टेनेंस के लिए हर चीज हमें क्या करी, प्रोवाइड करी। अल्लाह ताला अपने सर्वेंट्स को माफ कर देता है, अल्लाह इज मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट एंड वी विल बी अकाउंटेबल, अल्लाह जो है वो हमारा, हम क्या होंगे उसमें, वी विल बी अकाउंटेबल फॉर आर डीड्स, अल्लाह ताला उस वक्त जज होंगे और हम उनके सामने कोई भी जबान नहीं लड़ा सकते। तो ये हो गई मेन थीम जो हमें पैसेज से समझ आया। और हम इसके अंदर एक और बात अभी बताएंगे, हम इसके अंदर इसकी दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे इसका सही रास्ता दिखा, कि मुझे उस वो रास्ता दिखा जिससे आप खुश हैं, बल्कि वो रास्ता नहीं दिखाए जिससे आप नाराज हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर आप क्या बताएंगे? अच्छा इसके अंदर मेन थीम में वही लिखा हुआ है कि वॉशिंग हम प्रे कर रहे हैं कि शो अस द स्ट्रेट पाथ, सेव अस फ्रॉम द रॉन्ग पाथ। इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा अल्लाह ताला से रिलेशन स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर हमारा अल्लाह ताला सस्टेनर है, अगर इसमें हमें यह पता चला अल्लाह सस्टेनर, सस्टेनर का मतलब है पाल रहे, अगर अल्लाह हमें पाल रहे हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू पालते हैं, तो बेटा अम्मी अब्बू तो पाल रहे हैं लेकिन अम्मी अब्बू को पैसे कौन दे रहे हैं? ये जो अल्लाह ताला की तरफ से, क्या पता आप किसी उस ऐसी फैमिली के अंदर होते जो इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या पता थोड़े क्राइसिस के अंदर होते। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है कि अल्लाह ताला इज अ सस्टेनर, तो वी शुड बी लॉयल टू हिम एंड वी शुड वॉशिप हिम ओनली। हम बेसिकली अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन अल्लाह ताला से स्ट्रांग हो रहा है, हमारी कम्युनिकेशन अल्लाह ताला से। देखिए दुनिया के अंदर आपकी कोई भी बात, आप हर बात है ना किसी एक बंदे से शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपकी अम्मी है, आपकी अम्मी जो है वो हम ये सुनते हैं कि हम बचपन से बात सुनते हैं कि आप हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड अपनी अम्मी या अपने अब्बू को बनाए, बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन कुछ दुनिया के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो हम उनसे डिस्कस नहीं कर पाते, हमें थोड़ी सी शर्म आ रही है, सही है? इसी तरीके से दोस्त होते हैं, दोस्त होते हैं तो हम उनसे हर बात डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन कुछ फैमिली के अगर कुछ टर्म्स होंगी तो हम वो शायद डिस्कस ना करें। तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ी सी रिलक्टेंस होती है कि हम रिलक्टेंट होते हैं कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे शेयर। लेकिन अल्लाह ताला दुनिया की एक सिर्फ ऐसी, अल्लाह ताला ऐसे हमारे मतलब वो है कि हम उनसे हर चीज क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से अपने गम का इजहार कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तो बेसिकली वी आर सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, तो इससे हमें गुनाह कम हो जाएंगे।
और अगर हम सूरह फातिहा डेली बेसिस पे नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं तो हम गुनाह ऑलरेडी कम ही करेंगे। फिर अल्लाह इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, तो हमें सही बात पता चल गई कि अल्लाह इज द मास्टर, तो हम गुनाह कम से कम करेंगे। क्या करेंगे? गुनाह कम से कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसका जवाब दे रहे हैं। हमें डे ऑफ जजमेंट आएगी, उसमें हमें जवाब देना है, तो जो हम कर रहे हैं हम उससे छुप नहीं सकते, हमें हर चीज का जवाब देना है, तो हम गुनाह कम से कम करेंगे। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई या नहीं आई। आज हमने पैसेज 1 से लेके पैसेज 6 तक पढ़ लिया, तो मुझे ये बात बताएं कि आपको इसका ए पार्ट एंड बी पार्ट और पैटर्न समझ आया कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है।